समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाले डीएम अनंजय कुमार सिंह को योगी सरकार ने एक गिफ्ट दिया है। इस बार उन्हें मुरादाबाद का कमिश्नर बना दिया गया है। वहीं प्रमोशन के इस गिफ्ट मिलने की खुशी अफसरों व कर्मचारियों के चेहरे पर साफ देखी गई। अफसरों और कर्मचारियों ने बैंड बाजे के साथ दूल्हे की तर्ज पर उनकी विदाई की। प्रमोशन के बाद तबादले का आदेश आने के बाद अफसरों और कर्मियों का विदाई देने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को जिलाधिकारी का विकास भवन और कलेक्टर में विदाई समारोह रखा गया। विकास भवन में विदाई समारोह के बाद डीएम को खुली जीप में बैठाया गया और फिर बैंड बाजों की धुन के साथ खुशी का इजहार किया गया। विकास भवन में सीडीओ समेत अन्य विभाग के अफसरों व कर्मियों ने विदाई दी, जबकि कलेक्टर में भी नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्रा समेत अन्य अधिकारियों व कर्मियों ने विदाई दी। विदाई समारोह के दौरान अनंजय सिंह कुमार ने कहा कि मेरा सारा काम मेरी टीम का काम रहा है। जब आपकी टीम सही काम करती है तो आप भी बेहतर काम करते हैं। आपको बता दें, अनंजय सिंह वही जिलाधिकारी हैं जिनकी कार्रवाई के कारण सपा नेता आजम खान को भू माफिया बना दिया। देखते ही देखते आजम खान और उनके परिवार पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए गए। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एक और जहां आजम खान को भू माफिया घोषित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जा करने का आरोप में 20 से अधिक किसानों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए। अनंजय सिंह रामपुर के जिला अधिकारी रहते हुए सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान व उनके परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। रामपुर जिला मुरादाबाद मंडल में ही आता है। धनंजय सिंह वीरेंद्र कुमार सिंह का स्थान लेंगे। न्यूज डेस्क।